हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल टेकबिन ऑनलाइन में। मैं आपका दोस्त राहुल वर्मा, उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग फ्लिपकार्ट पे नए सेलर हो तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये आप सभी लोगों के लिए। इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी सेटिंग के बारे में बताऊंगा फ्लिपकार्ट पैनल पे जो आपको करनी है। अगर आपने उसका ठीक से यूज किया तो आपको बहुत फायदा हो सकता है, आपके ऑर्डर्स बहुत बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स भी हैं। अगर आपने उसका ठीक से यूज नहीं किया तो आपको नुकसान भी हो सकता है, आपका सेलर स्कोर खराब भी हो सकता है और आपकी विजिबिलिटी कम होने के साथ साथ ऑर्डर्स भी घट सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो बातें मैं बताऊंगा आपको उसको ध्यान से सुनना। जब आप अपने प्रोडक्ट लिस्ट करते हो तो लिस्टिंग करते हुए एक ऑप्शन आता है आपके पास इन्वेंटरी डिटेल्स का, जिसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रोक्यूरमेंट टाइप, आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपको वहां पे दो ऑप्शन चूज करने होते हैं, एक होता है इन स्टॉक और एक होता है एक्सप्रेस। क्या फर्क होता है इन दोनों में? देखो, अगर आप इन स्टॉक चूज करते हो तो आपको प्रोक्यूरमेंट SLA का नीचे ऑप्शन मिलता है। SLA का मतलब होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट। इसमें आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं डालने के लिए, या तो वन या टू। अगर आप वन फिल करते हो प्रोक्यूरमेंट SLA में तो आपको एक दिन का टाइम दिया जाता है अपना प्रोडक्ट डिस्पैच करने के लिए। अगर आप टू चूज करते हो तो आपको दो दिन का टाइम मिलता है अपना प्रोडक्ट डिस्पैच करने के लिए। इससे ज्यादा टाइम फ्लिपकार्ट नहीं देता, मैक्सिमम आपको दो दिन का टाइम मिलेगा अपना प्रोडक्ट डिस्पैच करने के लिए। अगर आपने दो दिन के अंदर अपना प्रोडक्ट नहीं दिया तो आपको एक दिन का ग्रेस पीरियड और देगा फ्लिपकार्ट। लेकिन अगर आप वो ग्रेस पीरियड ले लेते हो तो आपका सेलर स्कोर खराब हो जाएगा, और अगर आपने तीसरे दिन भी यानी कि ग्रेस पीरियड में भी वो प्रोडक्ट डिस्पैच नहीं किया या प्रोडक्ट नहीं दिया तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसल हो जाएगा, और ऑर्डर के कैंसल होने से आपका सेलर स्कोर बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी कम हो जाएगी, आपके पास ऑर्डर्स आने बहुत कम हो जाएंगे। ये तो थी प्रोक्यूरमेंट SLA की बात, जब आप प्रोक्यूरमेंट टाइप में इन स्टॉक चूज करते हो। लेकिन जब आप एक्सप्रेस चूज करते हो तो नीचे देख रहे होंगे आप प्रोक्यूरमेंट SLA का ऑप्शन ही गायब हो गया। एक्सप्रेस डिलीवरी, एक्सप्रेस ट्रेन होती है ना, अपने पैसेंजर्स को जल्दी पहुंचा देती है, तो इसी तरह फ्लिपकार्ट के पास एक्सप्रेस डिलीवरी है जिसको हम वन डे डिलीवरी भी बोलते हैं। अगर आप एक्सप्रेस चूज करते हो तो आपके ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि कस्टमर के पास आपका सामान जल्दी पहुंचेगा। एक्सप्रेस डिलीवरी में आपके पास कितना टाइम होता है डिस्पैच करने के लिए? पूरा एक दिन का टाइम भी नहीं होता, ठीक है? अगर आपके पास सुबह 8 बजे ऑर्डर आ रहा है ना, तो वो आपको सुबह के 10 बजे तक ही डिस्पैच मारना होगा, आपको सेम डे डिलीवरी करनी होगी। तो आपको कितना टाइम मिला? सिर्फ 2 घंटे का टाइम मिला आपको ऑर्डर डिस्पैच करने के लिए, ठीक है? जितने भी ऑर्डर आपके पास सुबह 8 बजे तक आ गए वो आपको उसी दिन सेम डे 10 बजे से पहले पहले डिस्पैच करने होंगे, और सेम डे ही फिर कुरियर वाला आएगा उनको पिक करने के लिए। तो इसको बोलते हैं वन डे डिलीवरी। अगर आपने ये प्रोसेस बिल्कुल ठीक से किया, 10 बजे से पहले पहले सारे ऑर्डर डिस्पैच कर दिए, एक तो आपका फास्ट फुलफिलमेंट बढ़ जाएगा, आपका सेलर स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। सेलर स्कोर इंप्रूव होगा तो विजिबिलिटी बढ़ेगी, विजिबिलिटी बढ़ेगी तो ऑर्डर्स बढ़ेंगे, एक तो आपके यहां से ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे। दूसरे, जब कस्टमर प्रोडक्ट लेने जाएगा ना आपका, आपके प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा तो उसको दिखेगा कि ये प्रोडक्ट तो मेरे को कल ही मिल जाएगा, तो फिर वो वहां से भी आपके ऑर्डर्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नॉर्मली 20-30% आपके ऑर्डर्स बढ़ जाते हैं अगर आप एक्सप्रेस चूज करते हो इन स्टॉक के कंपैरिजन में। लेकिन एक्सप्रेस के ड्रॉबैक क्या है? एक्सप्रेस का ड्रॉबैक ये है कि अगर आपने सुबह 10 बजे तक ऑर्डर डिस्पैच नहीं किया, 10 बजे के बाद डिस्पैच किया, तो आपका डिस्पैच ब्रीच बढ़ जाएगा। डिस्पैच ब्रीच बढ़ जाएगा तो आपका सेलर स्कोर खराब हो जाएगा,
फिर वही सारी कहानी दोहराई जाएगी, सेलर स्कोर खराब, विजिबिलिटी कम, ऑर्डर्स कम। तो एक्सप्रेस का फायदा भी है, अगर आप ठीक से अपनी सर्विस दे रहे हो तो, टाइमली ऑर्डर डिस्पैच कर रहे हो तो बहुत फायदा है। ठीक है, एक्सप्रेस चूज करने से पहले आपको अपनी पूरी तैयारी करनी है, आपके पास स्टॉक पूरा होना चाहिए प्रोडक्ट का, कि जैसे ही ऑर्डर आया फटाफट डिस्पैच किया और सेम डे डिलीवरी। ठीक है, तो इससे आपका सेलर स्कोर इंप्रूव होगा, ऑर्डर्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो फायदा ही फायदा है। लेकिन अगर आपके पास स्टॉक नहीं है, आपकी तैयारी नहीं है, तो एक्सप्रेस मत चूज करना, फिर आप इन स्टॉक पे ही जाओ। अपना प्रोक्योरमेंट ऐसे लिमिट टाइम 1 या 2, इन दोनों में से आप कुछ भी डालो। सेलर कैंसलेशन मत होने देना, अपना ऑर्डर कभी कैंसिल मत होने देना, बहुत गंदा फैक्ट पड़ता है सेलर कैंसलेशन का आपके मैट्रिक्स पे। दोस्तों ये छोटी सी सेटिंग है, ठीक है, आपको चूज करना है कि आप इन स्टॉक में काम करना चाहते हो या एक्सप्रेस पे काम करना चाहते हो। एक्सप्रेस के फायदे और नुकसान दोनों ही बता दिए मैंने आपको। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में किसी और नए फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।